हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी अभी HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस आया है, उसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। जो आपका आज का नोटिस आया है वो है ग्राम सचिव से रिलेटेड, और जो आपका पटवारी है और आपका कैनाल पटवारी है उसके रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स थे, क्या सर हम आपने पूछे थे, क्या हमने फॉर्म फिल कर दिया, क्या हम दोबारा उसको फिल कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है, क्या सर कब तक फिल करेंगे, क्या है, चलिए हम इसको देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है, पब्लिक नोटिस है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जैसे कि मैंने बताया है पंचकूला में है। तो यहाँ पे रेफरेंस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पब्लिक नोटिस डेटेड 3/3/2021 3 मार्च 2021 को रिगार्डिंग रीओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2019 8/2019 एंड 9/2019। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी रीओपनिंग, जो आपके फॉर्म निकले हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसके रिगार्डिंग आपका नोटिस है। रीओपनिंग जैसे कि मैंने बताया था पहले, आपके ग्राम सचिव कैनाल पटवारी और पटवारी के फॉर्म दोबारा निकले हैं, तो इसके रिगार्डिंग नोटिस क्या, चलिए हम आगे देखते हैं इसको। तो इसने बताया है कि इट इज फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न डेट कैंडिडेट्स हु हैड ऑलरेडी अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये आपके तीनों एडवर्टाइजमेंट नंबर हैं, इसमें से ग्राम सचिव पटवारी और कैनल पटवारी की हैं, एंड हैज सबमिटेड द फीस नीड नोट अप्लाई अगेन। मतलब आपको ये बता दिया दोस्तों साफ इसमें कि आपको दोबारा आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसको ज़रूरत नहीं है, जिसने पहले ऑलरेडी फॉर्म को फिल कर रखा है। तो उसने जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि 2014 में आपके फॉर्म निकले थे ग्राम सचिव के, जिस भी दोस्त ने 2014 में ग्राम सचिव का फॉर्म फिल कर रखा है तो उसको अब दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये दोबारा एडवर्टाइजमेंट 2019 में भी हुई थी दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार जिसने फॉर्म फिल कर दिया और अपनी फीस को सबमिट करवा दिया है उसको दोबारा अपना फॉर्म फिल नहीं करना है। तो और इन्फॉर्मेशन है कि ऑल्सो द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड ओनली पोस्ट हैज अप्लाइड, जैसे कि उसने यहाँ पे एग्जांपल लेके बता दिया, इफ़ कैंडिडेट अप्लाई फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2019 एंड ही विल बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ ग्राम सचिव ओनली। मतलब उसने बता दिया यहाँ पे कि यदि किसी ने ग्राम सचिव का फॉर्म पहले से फिल कर रखा है तो दोबारा फॉर्म फिल नहीं करना है। तो आपके मैसेजेज आ रहे थे क्या सर हम दोबारा फॉर्म फिल करें, तो उसके सारा आपके जो क्वेरीज हैं वो सारी आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे क्या है, अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ नोटिस डेटेड 3 मार्च 2021 रिमेन सेम। तो जो नोटिस आपका आया था 3 मार्च को वो सेम रहेगा। मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन है, मतलब कि क्या चीज़, एक बार और बता देता हूँ, जैसे कि अभी कोई भी बच्चा है वो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम फिल करेगा, तो उसके लिए जो कंडीशन है दोस्तों उसकी है, इसको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ग्रेजुएट में कोई परसेंटेज नहीं मांगी गई कि भाई 60% ओनली पास्ट होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, नई इन्फॉर्मेशन थी, आपके सामने शेयर की है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।